नमस्कार दोस्तों, आज सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल टेक्निकल इंडिया में। और मैं मनोज पंडित, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों कि आप किस तरह से अपना फोटो का स्टिकर बना के WhatsApp पे शेयर किस तरह से कर सकते हो। आप देखते होंगे कि WhatsApp पे बहुत सारा स्टिकर आने लगे हैं। अब आप देखते होंगे कि कोई लड़का है जो अपना स्टिकर बना के वह शेयर कर रहा है, कोई अपना दोस्त है वो भी अपना फोटो का स्टिकर बना के शेयर कर रहा है। तो आप भी किस तरह से अपने फोटो का स्टिकर बना के अपने दोस्तों के पास किस तरह से शेयर कर सकते हैं, और आप किस तरह से मान लीजिए कि कोई फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल का स्टिकर बना के अपने हाथों से स्टिकर बना के किस तरह से व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटे के आइकन को दबा दे ताकि हमें मोटिवेट मिलते रहे और हम इसी तरह का वीडियो लाते रहे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही खास चीज है, क्योंकि अपना स्टिकर व्हाट्सएप पे शेयर करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपना स्टिकर किस तरह से शेयर कर सकते हैं, तो हमें फॉलो करते रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। चलिए दोस्तों स्क्रीन पे चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से खुद का स्टिकर बना करके अपने दोस्तों के पास किस तरह से शेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले आपके मोबाइल पे तीन एप्लीकेशंस होना आवश्यक है। एक व्हाट्सएप जिस पे आप स्टिकर बना के आप सेंड कर सकते हैं, एक पिकआर्ट जिससे आप स्टिकर बनाएंगे, एक पर्सनल स्टिकर्स ऑफ व्हाट्सएप जिसे आप व्हाट्सएप में पर्सनल स्टिकर को जोड़ सकते हैं। ये तीनों ऐप्स होना आपके मोबाइल में बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कि आप पर्सनल स्टिकर्स ऑफ व्हाट्सएप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ पे आप सर्च कीजिए पर्सनल स्टिकर्स ऑफ व्हाट्सएप, और सर्च करने के बाद आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। हम यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसीलिए हमारा ऑप्शन पे यहाँ पे ओपन दिखाई दे रहा है। तो चलिए आप इंस्टॉल कर लीजिए उसे, और इंस्टॉल करने के बाद आप जाइए पिकआर्ट पर और वहाँ पर फोटो एडिट कीजिए। चलिए दोस्तों हम फोटो एडिट करके आप दिखाएंगे किस तरह से आप वहाँ पे स्टिकर बना सकते हैं, और फोटो को एडिट करके आप वहाँ पे आसानी से स्टिकर बना पाएंगे। तो चलिए पिकआर्ट ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से हम यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक बना चुके थे स्टिकर, वो दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं शुरुआत से किस तरह से आप स्टिकर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएंगे पिकआर्ट ओपन करने के बाद। दोस्तों याद रहे कि आपको अपना नेट ओपन कर लेना है पिकआर्ट ओपन करने से पहले। अब यहाँ पे प्लस आइकन जो दिखाई दे रहा है दोस्तों उस पर क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद आपको बैकग्राउंड चूज कर लेना है। दोस्तों दिखाते हैं कि आप कौन सा बैकग्राउंड चूज करेंगे कि अच्छे स्टिकर्स बन पाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कलर बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है नीचे में, वो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है उसे आप चूज कर लेंगे। हम यहाँ पे चूज कर ले रहे हैं, आप भी चूज कर लीजिएगा। और चूज करने के बाद दोस्तों आपको ऐड फोटो पे जाना है, और वहाँ पे आपको फ़ोटो ऐड कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, आप भी ऐड कर लीजिएगा इसी तरह से। एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर है, वह मनोज डे है, उसी का हम फोटो लेने वाले दोस्तों। आप भी देखिए मनोज डे का वीडियो, आपको अच्छा लगता है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए मनोज डे, आपके सामने बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे मनोज डे के लिए, जो बनाया है मनोज डे, बहुत ही अच्छा यूट्यूबर है। तो चलिए हम उसी का फ़ोटो का स्टिकर हम बनाने वाले हैं इस वीडियो पर। यहाँ पर फ़ोटो चूज करने वाले हैं मनोज डे का, ये देखिए हमने यहाँ पे चूज कर लिया है, और ये हमारे सामने ये मनोज डे आ चुका है। ये धनबाद का है दोस्तों ये यूट्यूबर, ये बहुत ही गरीब परिवार से है और बहुत ही अच्छा यूट्यूबर है, बहुत अच्छे बताते हैं, आप देख सकते हैं इसका। आप मैनुअली भी यहाँ पे चाहें तो कट कर सकते हैं, और नहीं तो बगल में जो एक आदमी की तरह जो आइकन दिखाई दे रहा है दोस्तों उस पर क्लिक करने से वह ऑलरेडी अपने आप ही सेलेक्ट कर लेता है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं बगल वाले ऑप्शन पे,
और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग दिखाई देंगे। और ये प्रोसेस पूरा करते ही आपके सामने पूरा ही जो मनोज डे का फोटो है वह सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पूरे फोटो को सेलेक्ट कर लिया है और हल्का सा जो साइड में छूट गया है दोस्तों, उसे हम फिर से इसे हम अच्छे तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है दोस्तों। अब इसे देखिए इस तरह से दिखाई देंगे कट करने के बाद, आप भी देख लेंगे आप आसानी से। और जो टिक मार्क का कोने में ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए बढ़िया से सेट करके। यहाँ पे सेटअप करने के बाद तो अच्छे से सेट कर लीजिए, और करने के बाद आपके सामने जो कोने में टिक मार्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं टिक मार्क पे। टिक मार्क पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे आपके सामने, एक तीर का आइकन, ये ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका गैलरी जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आपका फ़ोटो ऑलरेडी मोबाइल में सेव हो चुका है मोबाइल गैलरी पे। अब चलिए आप उस स्टिकर्स को किस तरह से अपने व्हाट्सएप पे ला सकते हो, तो चलिए हम आगे अब बताने वाले हैं, देखते रहिए। अब आपको यहाँ पे पर्सनल स्टिकर्स ऑफ व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेना है दोस्तों। तो चलिए हम ओपन करके दिखाते हैं कि आप किस तरह से स्टिकर ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे टिक मार्क ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस जगह पे आपका ऐड फोटो दिखाई देंगे, वहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। इस तरह का वो स्टिकर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे ऐड करने के बाद। देखिए हमने इतना स्टिकर्स बना चुके हैं अभी तक और हम दोस्तों के पास शेयर कर चुके हैं। हम अपना स्टिकर, अपना फ़ोटो का स्टिकर बना चुके हैं और शेयर कर चुके हैं, उसी तरह से आप भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम व्हाट्सएप पे चलते हैं और वहाँ से स्टिकर को शेयर करते हैं। आप आसानी से किस तरह से अपना बनाया हुआ स्टिकर किस तरह से शेयर कर सकते हो, हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे एक जो कोने में जो एक स्टिकर दिखाई दे रहा है उसे आप चूज कर लीजिए वहाँ पे। और चूज करने के बाद दोस्तों आपके इधर साइड वाले ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है उसे उस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका स्टिकर यहाँ पे ऐसे ही दिखाई देने लगेंगे और आप यहाँ से आसानी से स्टिकर को शेयर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं किस तरह से आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और शेयर हो जाएगा। देखिए हम मनोज डे का स्टिकर हम शेयर कर चुके हैं और साथ में मनोज पंडित जो हम हैं वो अपना बनाया हुआ स्टिकर हम शेयर कर रहे हैं दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे एक क्रिसमस का दिखाई दे रहा है, ये क्रिसमस का भी हमने बनाए हैं यहाँ पे स्टिकर को। और आप किस तरह से त्योहारों का स्टिकर बना पाएंगे हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। तब तक इंतज़ार कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और घंटे के आइकन को दबा दें ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।